भारत और इंग्लैंड के बीच पहले टेस्ट से पहले रोहित शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए और काफी चीजों का खुलासा किया उन्होंने, जैसे पिच के बारे में, पिच के मिजाज के बारे में, अक्षर या कुलदीप में से कौन खेलेगा उसके बारे में, और अक्षर और कुलदीप के बारे में भी काफ़ी बातें करी रोहित शर्मा ने। बेसबॉल के बारे में भी बात करी और लगातार बहुत चीज़ों के बारे में भी रोहित शर्मा के ने बात करी। गेम प्लान के बारे में भी बेसिकली रोहित शर्मा ने बात करी। सबसे पहले बात करते हैं पिच के बारे में। रोहित शर्मा ने जो कहा है, उनसे पूछा गया कि पिच कैसी होने वाली है, पिच नेचर कैसा होने वाला है, बिहेव कैसी करने वाली, क्योंकि आप सब जानते ही हैं जब भी भारत में कोई टेस्ट सीरीज होती है तो सबसे बड़ा सवाल सबके मन में यही होता है कि क्या ये जो पिच है टर्न लेगी, या इतना ज्यादा टर्न लेगी कि बल्लेबाजों को, सामने वाली टीम को खड़े रहने के लिए मुश्किल हो इस पिच पर। तो रोहित शर्मा ने सिर्फ छोटा सा जवाब दिया, उन्होंने बोला लुक्स गुड। पिच के बारे में उन्होंने साफ तौर पे बोल दिया लुक्स गुड, यानी अब रोहित शर्मा कह रहे हैं लुक्स गुड, इसका मतलब तो साफ तौर पे यही है कि स्पिन तो होने वाला है दोस्तों पिच, और कहीं ना कहीं उम्मीद भी है, क्योंकि इंग्लैंड की टीम ने जो अपनी प्लेइंग 11 घोषित करी है टेस्ट मैच से एक दिन पहले, उसमें भी तीन स्पिनर्स उन्होंने जो है एंट्री दिलवाई है, उसमें से एक डेब्यूटेंट भी है टॉम हार्टले पर, लेकिन तीन स्पिनर्स खेल रहे हैं। खैर, आगे बात करते हैं बेसबॉल के बारे में। जब उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा कि बेसबॉल की जो अप्रोच सामने वाली टीम लेकर आ रही है उसको आप कैसे देखते हो, उन्होंने कहा कि देखिए हमारा काम है अपने क्रिकेट पर फोकस करना, अपोजिशन टीम क्या ला रही है क्या नहीं ला रही उसमें हम कुछ भी इंटरेस्टेड नहीं है। साफ तौर पर रोहित शर्मा ने एक बड़ी बात बोल दी, और मैं आपको बताऊंगा उन्होंने किस लहजे में बोली और किन शब्दों में बोली। उन्होंने बोला कि वी विल लुक टू प्ले आवर क्रिकेट, नॉट इंटरेस्टेड इन सीइंग व्हाट द अपोजिशन इज गोइंग टू डू। खैर, इसके बाद रोहित शर्मा से एक और चीज पूछी गई पांच टेस्ट मुकाबलों के बारे में, जो कि भारत और इंग्लैंड के बीच में पांच टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जाएगी। उसमें एक सवाल किया गया कि आप इस पांच टेस्ट मैचों को कैसे देखते हैं, बहुत वक्त के बाद पांच टेस्ट मैच हो रहे हैं इंडिया में वगैरह वगैरह। रोहित शर्मा ने इसके बारे में कहा, एनर्जी एंड एटमोसफेयर इन द टीम इज गुड, केप टाउन गेव अस कॉन्फिडेंस, फर्स्ट टाइम वी आर प्लेइंग 5 मैचेस हेयर, यानी कि जो ये टीम जो है इसमें जो भी खिलाड़ी हैं वो पहली बार पांच टेस्ट मैचों की सीरीज खेल रहे हैं भारत में। और साथ ही साथ उन्होंने कहा विच इज गुड, वी वांट 4-5 टेस्ट एंड चैलेंजेस टू प्ले कंसिस्टेंट क्रिकेट। उन्होंने कहा कि देखिए एटमॉस्फेयर टीम में बहुत अच्छा है, कॉन्फिडेंस टीम में बहुत अच्छा है, जो केप टाउन में पहली बार टीम इंडिया जाकर जीती थी उस चीज ने हमें बहुत कॉन्फिडेंस दिया, यानी टीम इंडिया को बहुत कॉन्फिडेंस दिया, और लगातार 4-5 टेस्ट मैच होते रहे तो क्रिकेट भी जिंदा रहेगा और बहुत चीज़ें अच्छी होती रहेंगी। हमारा एम है कंसिस्टेंट क्रिकेट खेलने का। अगली चीज़ जो रोहित शर्मा ने कही उसके बारे में, गेम प्लान के बारे में उन्होंने बेसिकली कही बात, साफ तौर पर उन्होंने ये कही, वी नीड टू बी क्लियर इन योर माइंड अबाउट द गेम प्लान, वेदर टू डिफेंड, प्ले शॉट्स, रिवर्स स्वीप, नेवर बी इन टू माइंड्स, इट इज अबाउट हैंडलिंग द प्रेशर एंड क्वालिटी स्पेल्स, प्रेशर ऑफ टेस्ट मैच इज डिफरेंट, वी डोंट गेट टू इन्वॉल्व इन सर्टन स्टाइल ऑफ प्ले ऑफ इंडिविजुअल। देखिए बड़ी बात कह दी है गेम प्लान के बारे में, उन्होंने कहा कि देखिए डबल माइंड कभी नहीं होना, दो माइंड सेट पर कभी नहीं होना, जो शॉट खेलना है, जो चीज़ मेरिट पर खेलना है, गेंद को देखते हुए खेलना है, और वही चीज़ सफलतम होगी आने वाले टाइम में। उन्होंने कहा कि अगर किसी चीज़ को डिफेंड करना है, किसी गेंद को डिफेंड करना है, तो पूरे मन से डिफेंड करें, शॉट खेलना है तो शॉट खेलें, रिवर्स स्वीप खेलनी है तो पूरे मन से खेलें, डबल माइंड हुए आगे पीछे हुए तो दिक्कत हो जाएगी और आपको विकेट आपका गिर जाएगा और आप आउट हो जाएंगे। तो ये सब चीज़ें उन्होंने कही, और आगे उन्होंने एक तो बहुत अच्छी चीज़ कही कि इट इज़ अबाउट हैंडलिंग द प्रेशर एंड क्वालिटी स्पेल्स, प्रेशर ऑफ टेस्ट मैच इज डिफरेंट एंड वी डोंट गेट इन्वॉल्व इन सर्टन स्टाइल ऑफ प्ले ऑफ इंडिविजुअल्स। उन्होंने कहा कि देखिए गेम है, टीम एकजुट की तरह जाएगी, प्रेशर होता है टेस्ट मैच का, पर लेकिन हम प्रेशर से उबर जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उन्होंने अक्षर और कुलदीप के बारे में भी कही, सबसे पहले उन्होंने कुलदीप के बारे में कहा कि कुलदीप जब खेलते हैं तब एक एक्स फैक्टर लेकर आते हैं, एक्स फैक्टर है हमारे लिए कुलदीप यादव, और कुलदीप बिकम्स अ फैक्टर विद हिज वेरिएशन, अगर उनके पास बाउंस होता तो। उन्होंने कहा इफ इट हैज बाउंस, कुलदीप बिकम्स अ एक्स फैक्टर विद हिज वेरिएशन, ही इज अ मैच्योर्ड बॉलर एंड हैजंट प्लेड अ लॉट ऑफ टेस्ट इन इंडिया बिकॉज ऑफ अश्विन एंड जडेजा। उन्होंने कहा कि देखिए अगर पिच पर बाउंस हुआ तो कुलदीप आपके लिए एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं, क्योंकि उनके पास वेरिएशन इतनी है। हाँ, जरूर जडेजा और अश्विन खेलते ही इतना है टेस्ट टीम में, आप जडेजा और अश्विन को साथ उनकी जोड़ी ही देखते हैं, इस वजह से कुलदीप को ज्यादा मौके नहीं मिले। वैसे तो उन्होंने कुलदीप ने भी ज्यादा टेस्ट मैच नहीं खेले, पर वो काफी मैच्योर बॉलर हैं। उनसे ये भी पूछा गया दोस्तों कि अक्षर और कुलदीप में से किसको आप अपना तीसरा स्पिनर चुनना चाहेंगे। उन्होंने कहा कि देखिए ये बहुत कंफ्यूजिंग मामला है, दोनों ही अच्छे हैं, अक्षर आते हैं, अक्षर के पास एक्सपीरियंस भी, और अक्षर के ऊपर बेसिकली उन्होंने ये कहा कि अक्षर गिव्स ऑलराउंड ऑप्शन, गिव्स डेप्थ, इट इज़ अ हेडेक टू डिसाइड हु अमंग द टॉप टू मेक्स इट, वी नो द क्वालिटी ऑफ बोथ। जो अक्षर के बारे में भी तारीफ करी कि डेप्थ भी देते हैं, बल्लेबाजी से भी करते हैं, और एक्सपीरियंस भी अक्षर के पास, और काफ़ी कंफ्यूजिंग रहता है दोनों में से
और यानी कि हेडेक बहुत अच्छा रहता है दोनों में से डिसाइड करने का, पर मेरे हिसाब से दोस्तों अक्षर पटेल ही होंगे क्योंकि बल्लेबाजी के लिए वो डेप्थ देते हैं। और आपको याद होगा 2021 वाले टेस्ट सीरीज में जब इंग्लैंड आई थी तब अक्षर ने क्या कुछ हेडेक दिया था इंग्लैंड को, तो मेरे हिसाब से तो अक्षर ही खेल रहे हैं जडेजा और अश्विन के साथ। और अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। रोहित शर्मा ने जो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान दिए हैं पिच के बारे में, उन्होंने बोला लुक्स गुड, बेसबॉल के बारे में कह रहे कि फ़र्क नहीं पड़ता, इंटरेस्टेड ही नहीं हम जानने के लिए अपोजिशन करती है क्या करती है, जो भी मर्जी करती रहे, और लगातार ऐसे विभाग बयान के लिए रोहित शर्मा जाने जाते हैं और बयान उन्होंने दिए भी। फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही।